वेलकम फ्रेंड्स, स्पॉट जर्नी चैनल के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम है तहसील चौपाल के विलेज में शवाला में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ के जो देवता है शिरगुल देवता, उनका कुरुड होता है, एक जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा रहता है जो लकड़ी का वो होता है, उसकी स्थापना है। और बेसिकली ये जो गांव है यहाँ पे, ये पंडितों का एक गांव है, चंदान बोलते हैं उनको, और उन्होंने इनवाइट किया है हमारे को, हमें बजरोठी यानी कि बेहुनचान पंडित है। तो आगे का वृतांत आपको दिखाते हैं किस प्रकार से चल रहा है, और काफ़ी सारा रश है, काफ़ी सारा क्राउड है। ये लोकल ट्रेडिशन है, और लोकल ट्रेडिशन को किस प्रकार से मनाया जाता है, किस प्रकार से देवी देवताओं के मंदिर का वो होता है, प्रतिष्ठा होती है, वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो शवाला का विलेज है, यहाँ पे छोटा सा एक प्रांगण है। इस प्रांगण में अभी यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल जो नाटी है, हिमाचल की नाटी जो फेमस है, वो तो नाटी के साथ लोग झूम रहे हैं। और जो इनवाइटीज है भीमचान बजरोठी, जो बजरोठ बमटा से आए हैं, उनका थोड़ा सा यहाँ पे डांस प्रदर्शन आपको दिख रहा है, तलवारबाजी। और परशुराम का जो वो होता था डंगरू, वो कुछ लोगों ने लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा भव्य एक तरह का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। बाकी आगे का जो कुछ भी होगा वो आपको हम दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे शवाला में है, ये है हेतराम शर्मा जी, जो यहाँ मंदिर के पुजारी भी है, और वैसे भी इनके गांव में जो कुछ भी इसमें क्या कुछ रहता है, क्या कुछ महत्व है इस चीज़ का, इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा मंदिर निर्माण हुआ है, और इसकी परंपरा है कि कुरण लाया जाता है, और कुरण हमारे पुजारी कंडेरा महाराज के जंगल से लाया जाता है, उसका अपना बगीचा है, वहाँ से लाया जाता है। इसको एक बार जब प्रारंभ किया जाता है, काटना शुरू किया जाता है, तो कंटिन्यू लगातार चाहे 24 घंटे लग जाए तब तक ये बनते रहेगा। तब साइथ में उसको उठा करके ला करके एक देव भक्ति या लिंबर जिसको बोलते हैं हम, उसके सारे हम यहाँ तक लाया जाता है। और ये अब इसकी प्रतिष्ठा होगी, मंदिर पर चढ़ेगा कुरड़ के तौर पर, इसमें आंडे लगेंगे, सब कुछ लगेंगे। और ये पब्लिक है, ये सारा हमारे गांव का, यहाँ ग्राम देवता है हमारा। तो कुरुड मतलब एक तरह की लकड़ी होती है, जिसको पेड़ को काटने के बाद ना तो इससे गाड़ी से लाया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से लाया जा सकता है। ये कंधे पे आदमियों के द्वारा ही लाया जा सकता है, इसकी ऐसी प्राथमिकता है। और इसको नीचे नहीं रख सकते अभी, जब तक ये मंदिर के ऊपर निचर जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रसिद्ध कार्य होता है, और इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आगे आगे इसमें जो हरी सी झंडी ली है, वो है मंगत राम शर्मा जी, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं चौपाल से। तो ये पीछे कुरुड है, इसमें ये जो पुजारी है जो मंदिर के, इनको लकड़ी के ऊपर बिठाया जा रहा है और इनको ऐसे ही कैरी करके ले जाएंगे। ये मंगत राम शर्मा है, जो मैंने पहले बताया बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पे। तो इनको इस वुड के ऊपर, जो कुरुड होता है, इसके ऊपर बिठाया गया है, और इनको वहाँ तक ले जाया जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से, मतलब ये जो कुरुड का वो है, किस प्रकार से कैरी कर रहे हैं लोग, और इस प्रकार से ये जो देवते का जो कार्य है उसके लिए कुरुड को इस प्रकार से कंधे पे ले जाके, वो शुभ कार्य होता है इसके लिए। और इस कार्य में लोगों का जो बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, ये भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक खुशी की बात है और देखने लायक चीज़ है। ये यदा कदा ही मनाई जाती है, और यदा कदा ही इसका प्रांगण होता है।
विशेष प्रकार के जो इसमें स्लोगन्स चल रहे हैं, इसको पहाड़ी भाषा में लिम्बर बोलते हैं, तो ये लिम्बर भी चल रहे हैं जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको लिम्बर। आगे चले, तो देवता के जो है वो माली है, जो माली रहते हैं शिरगुल देवता के, आप देख सकते हैं नंगे पांव से किस प्रकार से जो देवता की एक शक्ति होती है वो इनमें आ गई होती है, और वो इनको किसी भी चीज की, कोई गर्मी का, कोई सर्दी का, कोई धूल का, कोई पत्थर वगैरह का, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो एक अन्य व्यक्ति है उनको भी मतलब देवता की शक्ति का एहसास हुआ है, तो देवता की शक्ति का एहसास होने से उनमें भी जो है शक्ति आ गई और वो भी कूद पड़े हैं इसमें नीचे। अभी यहाँ से जो है रास्ता वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मंदिर है छोटा, जो शिरगुल देवता का मंदिर है वो अभी चंद कदमों की दूरी पे रह गया है, अभी वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से रूट जो है वो डाइवर्ट करेंगे नीचे के लिए, पैदल जाना। आप रास्ता भी देख सकते हैं कितना खराब है, लेकिन फिर भी देवता की ऐसी शक्ति होती है, ऐसी मान्यता होती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चोट वगैरह नहीं लगती है और कुरूट जो है अपने स्थान पर पहुँच जाता है। बीच में अगर मध्य में जूम करके आप दिखा सकते हैं, तो एक लगाया गया औजार जिसको न्याण कहते हैं, तो ये किला जाता है इसके ऊपर, यहाँ पे बाद में कलश वगैरह कुछ स्थापना की जाएगी, यहाँ पे एक तरह का सोने का या तांबे का या किसी भी प्रकार का वो लगाया जाएगा इस जगह पे। अभी यहाँ पे जो गम्य स्थान है वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ छोटा सा मंदिर है पीछे को, यहाँ पे धुना, ये धुना जला हुआ होता है, ये भी वो रहता है धुना जो जला गया है उसके उसमें, और यहाँ पे एक छोटा मंदिर है, ये शिरगुल देवता का ही मतलब एक तरह छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे पहले आएंगे और इस तत्पश्चात ये जो मंदिर है सामने इस पे जाएंगे, और इसके ऊपर जो ये टॉप जो है मंदिर का उसके ऊपर ये जो कुरूट है इसको लगाया जाएगा। अभी तक जो है शिरगुल देवता है वो एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे रखे गए हैं, और इसके पश्चात जब मंदिर की जो प्रतिष्ठा है वो हो जाएगी, कुरूट वगैरह इसमें लग जाएगा, तत्पश्चात देवता उसमें शिफ्ट होगा। आप देख सकते हैं रस्से वगैरह को किस प्रकार से नीचे डाला गया है, और इन्हीं रस्सों के थ्रू जो है ये जो कुरूट है वो मंदिर के ऊपर जाएगा, और ये सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक महिला भी है जिसको देवता की शक्ति का थोड़ा आभास हुआ है, उन्हें भी थोड़ा, और ये पूरा जो कुरूट है मंदिर के ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं लोग किस प्रकार से मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। जो है वो पुजारी को जो है वो पंडित जी है उनको उतारा गया है वहां से, और अभी ये कुरूट को इससे ऊपर ले जाया जाएगा, यहाँ पे मंदिर में सजाया जाएगा, सभी लोग जो इसमें पूजा में शामिल रहेंगे, इसको लगाने में शामिल रहेंगे वो ऑलरेडी छत के ऊपर चले गए हैं, और ये छत जो है स्लेटों की, जो नेचुरल स्लेट है उसकी छत बनी हुई होती है, और डबल रो में इसको लगाया गया ताकि टूटे वगैरह ना। कहते हैं ये चंदान जो है उनका ही एक पार्ट।
घाट है वो यहाँ पे आके बस गए। बाकी जो चंदान है वो बटेउड़ी में रहते हैं, जो देवत के साथ में पड़ता है, चौपाल तहसील में, ये नेरुआ तहसील में आता है शवाला, तो यहाँ पे भी चंदान ही रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें भीमचान को जो है बजरोठी है, भीमचानों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है इसमें इस प्रोग्राम के लिए, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। पर जो एक नारियल को तोड़ करके लगाया गया है, नारियल इस ध्यान के ऊपर अभी रस्सी से कैसे ऊपर तक जाता है, ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये ले जाने का जो प्रोसेस है, किस प्रकार से ये कुरुड़ जो है वो ऊपर जा रहा है, लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत पावर दे रहे हैं। बाकी देवता जो महाराज है, शिरगुल महाराज है, उनकी शक्ति भी इसके पीछे है, उनकी शक्ति के बल पर ही ये जो कुरुड़ है वो ऊपर जाएगा। और तत्पश्चात ये ऊपर जो मंदिर के लास्ट है, जो मंदिर के ऊपर स्थापित किया जाएगा, तो देवता की शक्ति, देवता का जो पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ भी शिरगुल देवता के मंदिर है वहाँ पर मान्यता के अनुसार देवता महाराज शक्ति से ही जो कुरुड़ है वो ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ऊपर आप इसकी जो बैक साइड है वो देख सकते हैं कैसे काट के बनाई गई होती है इस प्रकार से इसको, ताकि ये जो छत है जो इसके ऊपर ये बैठ जाए, इसको थोड़ा अंदर को कुरेद के बनाया गया होता है। और इसको अभी ऊपर बिठाने के लिए लोगों जो है वो जाएंगे और इसको लगाया जाएगा, प्रोसेस देखिए आप। फिलहाल ये जो कुरुड़ है वो चला है अपनी अंतिम जो पड़ाव है, जो अंतिम जगह पे, जिस जगह पे स्थापित किया जाना है उस तरफ, लोगों के सामर्थ्य देवता की शक्ति के साथ। जो मंगत राम शर्मा है लोगों से आह्वान कर रहे हैं जोश के लिए, मतलब एक तरह के जो लिंबर होता है जिसको बोलते हैं, वो लिंबर लगा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आवाज आ रही है लोगों की हो वो एक लिंबर कहलाता है लोकल भाषा में, एक तरह स्लोगन जो रहता है वो कहलाया जाता है। अभी ये उसको बिठाया जा रहा है इसके ऊपर, तो ये देखेंगे तो एक बैठ गया है कुरुड़ इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर शिरगुल देवता की जय के नारे के साथ कुरुड़ जो अपने अंतिम जो पड़ाव था, जो मंदिर का ऊपरी जो हिस्सा था उसके ऊपर बिठा दिया गया है। और ये शिरगुल देवता की जय जयकार के साथ, जय जयकार के नारे के साथ, तो ये जो कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। कुरुड़ अपनी कक्षा पे, जो सीमा थी, जो निर्धारित जगह थी, वहाँ पे स्थापित हो गया है। तो लोगों में जश्न का माहौल है, इसमें लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और शिरगुल देवता की जय जयकार के नारों के साथ पूरा जो प्रांगण है वो गूंजमान हो उठा है। मंदिर का साइड का व्यू और फ्रंट का व्यू भी आपको दिखाते हैं।
कुल मिला के जो कुरुड था, जो देवता का जो कुरुड है, वो अपनी कक्षा पे जो है वो स्थापित हो चुका है और ये शुभ कार्य आज संपन्न हुआ यहाँ पे। अभी इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी, प्रतिष्ठा जैसे कि अभी आपने राम मंदिर जो बना है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा देखी होगी, तो उसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा इसमें भी अभी की जाएगी। ये फ्रंट का व्यू आपको दिखाते हैं, ये जो है मंदिर का मुख्य द्वार है, मंदिर को जो बनाया गया है किस प्रकार काशी से बनाया गया है। तो अभी देवता महाराज जो है ऊपर मंदिर में, अभी इसके बाद जो अंदर का जो छोटा सा जो मंदिर अंदर बना गया है, सिंहासन जिसको बोलते हैं, उस सिंहासन में आएंगे। आगे आ जाओ, सिंहासन में विराजमान हो। पीतल का रहता है तो इसको देवते की शान के लिए मंदिर के ऊपर लगाया जाता है इसको। तो ये जो पहाड़ी भाषा में जिसको कहते हैं कि मतलब अंडा कहते हैं पहाड़ी भाषा में अंडो, तो कलश होता है एक प्रकार का, वो कलश को ऊपर विस्थापित किया जा रहा है। वो जो मिस्त्री है जो वो ऊपर अपने औजार से उसको सेट कर रहे हैं और पुजारी अपना धुएं वाला वो पूजा के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये एक तरह के अभी त्रिशूल, शिव जी का जो त्रिशूल है लास्ट में, वो शिव जी भगवान का त्रिशूल रखा जाएगा। क्योंकि मिस्त्री अभी सेट करने में लगे हुए हैं जो कलश है उसको, और इसमें अंत में जो है शिव जी जो भोलेनाथ भगवान है उनका त्रिशूल लगाया जाएगा। क्योंकि जो शिरगुल देवता है वो शिव जी भगवान के ही एक रूप है, उनका ही एक अवतार है। तो अभी चंद ही सेकंड में आप देखेंगे इसके ऊपर एक शिव जी का जो त्रिशूल है वो स्थापित किया जाएगा। ये शिव जी का जो त्रिशूल है उसके ऊपर लगाया जा रहा है, अभी उसको सेट किया जा रहा है, और ये पूर्ण रूप से जो शिव जी का, भोलेनाथ जी का जो त्रिशूल है उसके ऊपर स्थापित कर दिया गया है। और इस प्रकार से ये कार्य जो है वो पूर्ण हुआ इसी के साथ ही। तो प्रणाम किया मिस्त्री ने भगवान भोलेनाथ को, और अभी वो पूजा के लिए जो पुजारी है वो भी खड़े हैं और पूजा की जाएगी इसकी। Yeah.
तो ये जो आखिरी प्रोसेस है, इसमें जो मंगत राम शर्मा है वो देवता के माली है, जो बीजेपी के प्रभारी भी रहे यहाँ पे, तो जो यहाँ के बाकी वो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं, जो माली है जिनको देवता की जो शक्ति है वो प्रकट होती है, फूल वितरित किए जा रहे हैं सभी के लिए। सामने अगर आप देख पा रहे हो तो ये बजरोठी ब्यूचांद जो बजरोठ से आए हैं, बमटा से आए हैं, उनके लिए यहाँ के जो शवाला के लोग हैं इन्होंने इनविटेशन दिया था, तो इनविटेशन कार्ड के थ्रू ये लोग यहाँ पे आए हैं। और इनका जो मंदिर का यहाँ पे आज स्थापना हुई है, करूड़ की जो स्थापना हुई है यहाँ पे, तो प्रतिष्ठा हुई है, जो प्राण प्रतिष्ठा एक तरह की वो यहाँ पे हुई है, तो उसके लिए सभी बजरोठी नाचते गाते हुए हाथ में डंगरू तलवार वगैरह ये इसमें चले हुए। देख पा रहे हैं इस तरफ से जो है बजरोठी बंधु जो है उनका हुजूम उमड़ के आ रहा है, नाटी के साथ, तलवार के साथ और डांगरू के साथ, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ। तो इनको इनवाइट किया गया है, यहाँ पे इनविटेशन दिया गया था जो बजरोठी ब्यूटान को, ये उच्च कोटि के ब्राह्मण है जो बजरोठी ब्यूटान है, उनको इनविटेशन के तौर पर यहाँ बुलाया गया है। जो मुख्य जो पार्टी है वो इस तरफ है, जो शवाला की, जो शवाला के ब्राह्मण है वो ये पार्टी है, और जो इनविटेशन जो इनवाइट किया है बजरोठी जो ब्यूचानों को, उनका जो दल है वो नाटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये दूसरी पार्टी जो है उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये ट्रेडिशन है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की इन्विटेशन दिया जाता है, इन्विटेशन के तौर पर बुलाया जाता है। तो ये पहाड़ों की यही शान है, यही शान हम पहाड़ियों को अव्वल बनाती है। जय श्री गुरुदेव का।
जो है हमारे दीदी श्री है, बिमला दीदी जी है, और ये यहाँ पे जो मुख्य जो वो है मंदिर के मंगल राम शर्मा जी जो है मामा जी रखते हैं, उनके पत्नी है हमारे दीदी लगते हैं, और यहाँ पे इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे छोटे भाई लगते हैं। तो मुख्य तौर पे अगर आप अभी देख पा रहे हो तो जो स्वागत पार्टी है और जो बिहूचान बंधु है, जो बिहूचानों की जो पार्टी है, वो यहाँ पे एक हो गए हैं। अभी उनका रिसेप्शन हो रहा है अभी, तो ये जो जश्न का माहौल है यहाँ पे सिरगुल देवता के उसमें वो देखने लायक एक बन रहा है, और हर किसी को जो है वो भगवा कलर का जो मफलर है वो भेंट किया जा रहा है। मेहमान नवाजी के तौर पर जो बेजरोठी भी जान रहे हैं, उच्च कोटि का जो ब्राह्मण है उनको ये भगवा कलर के जो मफलर है वो पहनाए जा रहे हैं स्वागत के तौर पर। तो ये अच्छा महोत्सव एक तरह का यहाँ दर्शन देखने लायक। तो ये मंदिर के जो मुख्य पुजारी ओम प्रकाश शर्मा जी है,
अभी बताएंगे, अभी शिरगुल देवता जो है यहाँ पे है, इसके बाद जो है मुख्य मंदिर है जो बना है उसमें जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसके ऊपर। आपका चैनल का हम बड़ा स्वागत करते हैं जो यहाँ पर श्वाला में शिरगुल मंदिर, शिरगुल जो श्वाला गांव है यहाँ पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये 500 साल पुराना मंदिर था शिरगुल महाराज का, हमारे कोई 8-9-10 पीढ़ी पहले से बुजुर्गों ने यहाँ लाया हुआ था, तो यहाँ पर ये 500 साल पुराना मंदिर इसका जीर्णोद्धार किया गया, तो हमारे पूरे परगने और ग्रामवासी श्वाला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो आज हमारा ये जो अभी कुरूड़ लगा थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले, और इसके बाद देवता महाराज जी वहाँ भवन प्रतिष्ठा होकर के नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। पिछले कल चूड़धार से यात्रा करके आए थे, स्नान करने को ले गए थे, और फिर यहाँ से आज सुबह परे से पुजारली जगह से वहाँ से कुरूड़ लाया गया, और अभी कुछ टाइम पहले अभिजीत मुहूर्त में है 1:15 बजे कुरूड़ को स्थापित किया गया मंदिर पर। अब इसका बाकी ये मंगतराम चाचा जी यहाँ के है ना जी, और कमेटी के अध्यक्ष है नंदलाल जी, रामलाल जी। तो बाकी आपने सुना जो पुजारी जी है यहाँ के, उनसे कुछ सुना, और थोड़ा प्रकाश डालेंगे ये मंदिर के, आप भी तो थोड़ा मंदिर के बारे में प्रकाश डालिए। ये हमारा शिरगुल महाराज का मंदिर है, ये पुराना मंदिर था, इसका पुनर्जीवित किया गया है, और इसमें शिरगुल महाराज हमारे काफ़ी पुराने, हमारे बुजुर्गों के टाइम से, बहुत पुराने समय से जो है यहाँ पर विराजमान है, इनका मंदिर पुराना हो चुका था, इसके लिए हमने समस्त ग्रामवासी जो श्वाला है उनके माध्यम से और शिरगुल देवता मंदिर समिति श्वाला ने के माध्यम से सारा इसका पुनर्निर्माण हुआ है। इसमें हमारे पास सब लोगों ने बड़ा जो किया है, और शिरगुल महाराज को हम फिर उसके बाद चूड़धार ले गए, वहाँ पर उसका स्नान करके आज कुरूड़ की स्थापना हुई है। पूरे परगना शाख से सारे लोग आमंत्रित है, और यहाँ इसका वो आज विराजमान हो रहे हैं शिरगुल महाराज देवता। धन्यवाद आपका, आपने काफी प्रकाश दिया। दीपक शर्मा जी है, थोड़ा बहुत इनसे भी जान लेते हैं मंदिर के बारे में। जैसे बताया कि कल चूड़धार से स्नान करके शिरगुल देवता जो शिवजी भगवान का ही एक रूप है वो यहाँ पे आए हैं, तो जानते हैं दीपक शर्मा से। कल हम चूड़धार गए थे देवता महाराज को लेकर के, शाम को वापस परसों गए थे, कल वापस आए, और शिरगुल महाराज जो है अपने जहाँ रखे हुए हैं यहाँ स्थापित किए गए, और आज हमारी कुरूड़ लग गया है। इसके बाद जो है देवता महाराज जो है अपने मंदिर में अंदर जाएंगे और सिंहासन पर अपने विराजमान होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया 1:15 बजे जो है वो मंदिर में विराजमान हो गए शिरगुल देवता, जो शिव जी का ही एक रूप है, तो उसका भी आपको पूरा वो दिखाएंगे। धन्यवाद। ये मंगतराम शर्मा जी है जो यहाँ के मेन है, जो शिरगुल देवता का जो मंदिर है, जो शिव जी का एक रूप है, उसके मुख्य सेवक समझ लो, पुजारी समझ लो, या उनके जो देवता जी में आता है वो है, वैसे भी हमारे मामा जी लगते हैं। धन्यवाद आपका, आपका आपके चैनल का मैं पहले तो आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक छोटे से कार्यक्रम में आपने शिरकत करी, इसमें मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये शिरगुल महाराज की अगर आप ये थोड़ी यहाँ की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये 500 वर्ष पहले खंचरू राम जी जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने चूड़धार से शिरगुल महाराज का यहाँ एक चिन्ह लाया। उसके बाद करीबन हम लोग जो है उनकी सातवीं पीढ़ी में मैंने प्रवेश किया, मेरे बच्चे आगे या उनके मेरे आगे पोते वो 8वीं 9वीं पीढ़ी आ जाती है। ये शिरगुल महाराज श्वाला के नाम से यहाँ पर इस महाराज का जो भूमि है जिसके ये मालिक है वो कोई 4 बीघे के करीब इस महाराज की प्रॉपर्टी है, इनकी यहाँ पर भूमि है। तो पहले हम लोग एक ही घर था, पाणु यहाँ आया है, हमको पनाइक कहते हैं, उसके बाद जो आगे हमारा वंश चलता रहा, तब हम लोग
दो खट्टे में चले गए, उसमें एक सिराई का खट्टा है जिनका हमारे जो है वो पांजी अलग हुए, उनके आगे औलाद चली, हमारे मशु हुए, मशु के मोताइक कहे, हमारे सभी के यहाँ पर कोई 22 मकान हैं, 22 परिवारों का हमारा यहाँ पे ब्राह्मण बंधु रहते हैं। बाकी ये जो पूरा गांव है 85% 85% यहाँ पे हमारे विशेष जाति के लोग जो हमारे बंधु हैं। अगर आप इस देवते की कारदारी में देखा जाए, ये जो बंधु हैं हमारे ऐसी क्षेत्र के, ये लोग सबसे ज़्यादा हमारे से ज़्यादा इस महाराज की सेवा करते हैं, तत्पर रहते हैं। हमने 16 फरवरी को शिरगुल महाराज का मंदिर हमने पटा था और 19 फरवरी को हमने इसकी भूमि पूजन और यहाँ वास्तु लगाया था। तब से लेकर लगातार यहाँ पे आज तक देखिए क्या बात है, भगवान की क्या कृपा रही। जिस दिन महाराज का मंदिर पटा था वही तारीख आज यहाँ पे आ रही है। आज इनका कुरूर लग गया, सारे जितने भी परगने के लोग हैं, खास करके स्नाई बंधु, इन्होंने हमारा बड़ा भारी साथ दिया है। इनका सहयोग हमारे पास होता है, इनके यहाँ से हम बेझिझक इनके जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं, पत्थर इनके पास है वो ले लेते हैं, चादर इनके पास है वो ले लेते हैं, धन इनके पास है वो ले लेते हैं। खुले मन से ये हमारी सहायता करते हैं। ये जो सनाई हैं, स्नाई बंधु है, इन लोगों के साथ हमारा भी, हम इनके पुजारी है और ये हमारे हमारे जो यजमान हैं, ये हमारे यजमान हैं। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, ये महाराज की कुछ उत्पत्ति है, महाराज की यहाँ पर कृपा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शिरगुल महाराज ने प्रथम दिन से जैसा उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारे पास धन की कमी थी, इस महाराज ने बोला तू क्यों डरता है, पैसे मैंने देने हैं, तो वो ऐसा ही हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। तो आपके चैनल का फिर मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। ये यहाँ पे जो ब्यूचाण बंधु और हमारे चंदाण बंधु, उन्होंने भी आना था लेकिन वहाँ पे ट्रेजरी हो गई, वो नहीं आ सके, उन्होंने अपना कारिंदा भेजा है। आप सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, ब्यूचाण जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं हमारे, खास करके तो इसमें ऐसे हैं कि हमारे भांजे हैं, कोई हमारे भंजोचे हैं, कोई हमारे रिश्तेदार है, सब लोग का आभार प्रकट करता हूँ। आपकी आवाभगत में किसी तरह से कोई कमी रही होगी, इसके लिए आप हमको क्षमा करेंगे, यही मैं कहने वाला हूँ आपके सामने। चैनल के थ्रू कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं मंगत राम शर्मा जी को, जिन्होंने ये जो हिस्ट्री है मंदिर के बारे में वो यहाँ पर बताई, और बजरोठी बंधु जो अभी बैठे हुए हैं सारे, ये इन्वाइटीज है यहाँ के लिए, इन्विटेशन दिया गया था इसके बारे में, तो ये सब कुछ जो भी है वो सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे। महाराज की जय, महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। अब आखिरी में एक नारा आपके लिए मैं जरूर लगाऊंगा, जो मेरे रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं, बोलो ब्यूचाण बंधुओं की, बोलो ब्यूचाण बंधुओं की, बोलो ब्यूचाण बंधुओं की। धन्यवाद, जो चढ़ावा है हमारे जो बरादरी है बटेवड़ी के चंदाण बंधु, उन्होंने अनिल को यहाँ पे भेजा है, ये मेरे जो रिश्ते में हैं वो भाई लगते हैं पूरे बरादरी की ओर से, और मैं अपने पुलिस महाराज से
और यहाँ जो चंदान बंधु यहाँ श्वाला में रहते हैं उनकी ओर से चंदान बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ। शिरगुल महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति देना, इनके घर में सुख शांति आए, ऐसी मेरी कामना है भगवान से। एक में नारा जरूर लगाऊंगा अब क्योंकि मेरा तो भाई बरादरी है। बोलिए शिरगुल महाराज की, शिरगुल महाराज की, बोलो चंदान बंधुओं की, बोलो चंदान बंधुओं की। सो जो चंदान है, ये जो श्वालचे है, ये भी वहीं से आए हुए हैं, ये एक ही चीज़ है, एक ही कम्युनिटी है, चंदानी है ये। तो वहाँ का कुछ पार्ट है जो वहाँ रह गया, कुछ लोग जो है यहाँ आ गए, ये श्वालचे कहलाए, वो चंदान है जो इन्होंने इनवाइट किया, वो बजरोठी बिहुचान को इनवाइट किया, तो इस तरह से यहाँ का ये पूरा वो जो है प्रोग्राम है वो हुआ। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ का शवाला का जो ब्लॉग था हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया यार। अब हम वापसी के लिए आ गए अपनी गाड़ी के पास। यहाँ का जो कुछ भी मंदिर का था, उसके कुरुड का था, लोगों का था, इनवाइटीज़ की था, मंदिर का इतिहास था, वो सारा कुछ हमने आपको बताया। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के ट्रेडिशनल और टूर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।